ओके सो स्क्रीन दिख रही है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर दिख रही है। हां सर दिख रही है। हां सर ओके फाइन सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स से आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो आप अप्लाई करते हो जब एक टेबल का स्ट्रक्चर आप बनाते हो, स्कीमा बनाते हो, ठीक है? तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा नॉट नल। नॉट नल मतलब लेट्स से जो एग्जिस्टिंग टेबल है मेरा अमेज़न ऑर्डर्स, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो उस टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं? कौन सी कमांड यूज कर सकें? ड्रॉप ड्रॉप टेबल अमेज़न ऑर्डर्स। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? एक नया टेबल बना रहा हूँ। ये ड्रॉप क्यों किया टेबल? क्योंकि कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो टेबल्स क्रिएशन के टाइम पे हमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है? तो लेट्स से क्रिएट टेबल अमेज़न ऑर्डर। सर रन ना है, रन ना है, इन वाले डाब ये वाले डाब ये फेमस कौन थे? ओके वी विल सी एट द एंड। जैसे आज आज जरूरत नहीं है उसका, कल से लगेगा हमको। ठीक ठीक एंड में, क्लास के एंड में आप स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है सर। ठीक है सो अभी मैं एक टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ। अमेज़न ऑर्डर जो मेरा टेबल था उसको मैं ड्रॉप किया क्योंकि मुझे कंस्टेंट्स अप्लाई करने हैं टेबल्स क्रिएशन के टाइम पे। फर्स्ट कंस्टेंट है मेरा नॉट नल। नॉट नल मतलब मैं उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर कोई भी नल वैल्यूज अलाउड नहीं करना चाहता कि अगर किसी ने नल पास किया है वहाँ पे तो वो अलाउ ना करे उस डेटा को व्हेन वी इंसर्टिंग द डेटा। सो लेट्स से मेरे पास टेबल है फर्स्ट माय कॉलम इज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इज माय इंटीजर। इसके बाद ऑर्डर आईडी के बाद मुझे कंस्टेंट देना है। मैं दे रहा हूँ नॉट नल, ये कंस्टेंट मैंने दिया है। ऑर्डर आईडी इंटीजर कंस्टेंट दिया है नॉट नल, ठीक है? नेक्स्ट लेट्स से दूसरा है मेरा प्रोडक्ट आईडी, ये भी मेरा इंटीजर है। इस पे कोई कंस्टेंट नहीं दे रहा हूँ, बस डेटा टाइप मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? ये टेबल क्रिएट होगा। इस टेबल में कुछ एरर है? नहीं है, राइट? कमांड सक्सेसफुली से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, वो मुझे दो कॉलम दिखाएगा, ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी। अभी कुछ डेटा इंसर्ट करके देखते हैं इसमें। सो इंसर्ट इनटू अमेज़न ऑर्डर वैल्यूज, फर्स्ट पास कर रहा हूं मैं लेट्स से वन एंड टू, दो वैल्यू पास कर रहा हूँ कि ऑर्डर आईडी उसका वन है, प्रोडक्ट आईडी उसका टू है, ठीक है? बस इतना ही पास कर रहा हूँ मैं। लेट्स ट्राइंग टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड। इंसर्ट हुआ, लेट्स से अगेन आई रन दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर, वन एंड टू मुझे दिख रहा है। लेट्स ट्राई टू इंसर्ट अनदर वन, मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, राइट? Insert into Amazon orders values. Sushant, mute pe jao.
ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ नल एंड लेट्स से 3, मैं नल पास कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, वो क्या मुझे एरर दे रहा है, कैनॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम ऑर्डर आईडी टेबल एनएमडी एसक्यूएल 5 डीबीओ, ये टेबल का नाम है, पहले डेटाबेस का नाम है, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स इंसर्ट फेल्स। क्यों अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमने ये क्रिएट किया है टेबल, यहां पे अपन ने क्या मेंशन किया हुआ है कंस्ट्रेंट्स कि इस ऑर्डर आईडी में नल वैल्यू अलाउ नहीं है इंसर्ट करना, इसीलिए अगर कोई नल वैल्यू पुट करना चाहता है इस टेबल में वो उसको एरर शूट करेगा, ये एरर देगा कि कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, क्योंकि नॉट नल का एक कंस्ट्रेंट डाला हुआ है। जो स्क्रिप्ट भी मैंने आपको दी है वहां पे देखो नल डाला हुआ है, नल नॉट नल नहीं, नल डाला हुआ है, मतलब नल अलाउ किया है वहां पे, अब नल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल का जो स्ट्रक्चर है क्रिएट टेबल का, उसके देखो आगे नल है ना, टेबल्स डेटा टाइप का नाम है इंटीजर एंड वहां पे भी नल लिखा हुआ है, तो नल वो क्या दिया हुआ है, कंस्टेंट दिया हुआ है, नॉट नल नॉट नल, यहाँ पे हमने नॉट नल यूज किया हुआ है, वहां पे नल यूज किया है तो नल अलाउ किया है, नॉट नल होगा तो नल अलाउ नहीं है। ठीक है, समझ में आया, नॉट नल कंस्टेंट। ओके, द नेक्स्ट कंस्टेंट इज यूनिक कंस्टेंट। यूनिक मतलब लेट से अगर मैंने यहाँ पे 1 पास किया है तो नेक्स्ट इंसर्ट में मैं अगेन 1 पास नहीं कर सकता, 1 ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, यूनिक, अंडरस्टैंड हो रहा है, यूनिक मतलब एक बार में एक ही बार में यूज कर सकता हूँ वो वैल्यू। अगर ऑर्डर आईडी में जैसे मैं एक एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, लेट से ऑर्डर आईडी का कॉलम है मेरा, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर आईडी पुट किया है 1, तो यूनिक मतलब लेट से अगर 1 वापस पास कर रहा हूँ मैं 2 3, अगर मैं इस ऑर्डर आईडी के कॉलम में से यूनिक रिकॉर्ड आपको मांगू कि यूनिक रिकॉर्ड कितने हैं यहाँ पे, तो यूनिक क्या रहेगा, 1 रहेगा राइट, देन 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो इस केस में ये जो कॉलम है ऑर्डर आईडी का वन यूनिक, यहाँ पे 2 1 है राइट, तो 1 यूनिक नहीं है, इसको हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, एक वर्ड भी है डिस्टिंक्ट करके, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उस कॉलम्स के अंदर के, कि डुप्लीकेशंस जो है डुप्लीकेशंस अलाउड नहीं है वहाँ पे। अगर मैंने एक बार 1 पास कर दिया है, पुट कर दिया है, वैल्यू स्टोर कर ली है, तो मैं अगेन 1 पास नहीं कर सकता उस कॉलम में, मुझे 2 पास करना पड़ेगा। अगर 2 पास कर दिया मैंने तो वापिस न्यू इंसर्ट जब होगा तो 3 होगा, वापिस 2 अलाउ नहीं करेगा, सो दिस इज कॉल्ड यूनिक। ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं, लेट्स से अगेन आई विल ड्रॉप दिस टेबल Amazon ऑर्डर, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, टेबल को ड्रॉप किया मैंने, अगेन क्रिएट टेबल क्रिएशन के टाइम पे इंस्टेड ऑफ दिस नॉट नल, लेट मी कॉपी दिस, अगेन ये जो क्रिएट टेबल का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस नॉट नल मैं मेंशन करना चाहता हूँ यूनिक। ठीक है, कंस्टेंट मैंने डाला है यूनिक, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, कमांड सक्सेसफुल हुआ, और उसमें मैं कुछ ये फर्स्ट रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ बाय select star from Amazon order, तो 1 and 2 दो रिकॉर्ड से, एक रिकॉर्ड है इसमें राइट, ऑर्डर आईडी 1 प्रोडक्ट आईडी 2, लेट से मैं एक और इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इंसर्ट इनटू Amazon orders वैल्यूज
ये जो ऑर्डर आईडी है इसको मैंने यूनिक कंस्टेंट से दिया हुआ है इसको, मतलब कुछ रूल सेट किए मैंने कि इस ऑर्डर आईडी में यूनिक ही रिकॉर्ड जाएगा। अगर मैं अगर यहाँ पे पास करने की कोशिश करूँ 1 और 3, इस 1 को मैं अगेन पास करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो वो मुझे क्या करेगा, एरर शूट करेगा, राइट। सी cannot insert duplicate key in object dbo.amazonorder, the duplicate key value is 1. इसका मतलब ये यूनिक कंस्ट्रेंट से डिफाइन किया हुआ है, आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्डर आईडी में ऑलवेज यूनिक ही वैल्यू पुट होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया? और आगे इनिशियल जो एरर है वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, देखो ये स्टार्टिंग में ही है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट जो आपने डिफाइन किया हुआ है ऑर्डर आईडी के कॉलम के ऊपर। कंस्ट्रेंट हम कहाँ पे देते हैं, फर्स्ट हम कॉलम का नाम देते हैं, देन उस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप आप स्टोर करने वाले हो, देन कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं उस पे। तो ऑलवेज जो टेबल्स होते हैं इन रियल लाइफ भी, जो बिजनेस डेटा स्टोर होता है वो कंस्ट्रेंट्स के साथ ही बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स अगर नहीं देते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है वो हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से कंस्ट्रेंट्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाता तो 1-1 डुप्लीकेट हो जाता ना वहाँ पे। तो अगर मैंने कंस्ट्रेंट से बाउंड करके रखा है उस कॉलम को तो डुप्लीकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ही होगा नहीं। तो ये वेज होते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे अलाउ करने है कि नहीं करने मेरे उस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर। अगर ऑर्डर्स का ट्रांजेक्शन टेबल है तो हर एक ऑर्डर का आईडी यूनिक होगा, सेम ऑर्डर आईडी नहीं होगा। मैं अगर अभी एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ और 5 मिनट बाद दूसरा ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो दोनों के आईडी अलग अलग होंगे, भले वो एक कस्टमर ने प्लेस किया हो तभी भी ऑर्डर आईडी अलग अलग होंगे। आपने एक प्रोडक्ट मंगाया और आपने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया तो ऑर्डर आईडी अलग अलग है, ठीक है। तो अगर वैसे कंस्ट्रेंट्स नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि ऑर्डर आईडी का डुप्लीकेशन हो, और अगर ऑर्डर आईडी का डुप्लीकेशन हुआ तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस प्रॉपरली होगा नहीं आगे का, किस ऑर्डर को किसको डिलीवर करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन का ही वो ऑर्डर है क्या, हो सकता है कि किसी और कस्टमर ने ऑर्डर पुट किया और दोनों का ऑर्डर आईडी सेम हो, तो किस कस्टमर को कौन सा ऑर्डर देना है ये समझेगा नहीं, करेक्ट, अंडरस्टैंड हो रहा है। इसलिए कंस्टेंट्स इंपॉर्टेंट है, कंस्टेंट्स क्या करते हैं कॉलम्स के ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं कि उस कॉलम में जो डेटा पुट होने वाला है वो किस टाइप का होना चाहिए और उसमें बाउंडेशंस क्या है, वो डुप्लीकेट अलाउ करेगा नल अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, यूनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारे एप्लीकेशन। सो हमने अभी 2 कंस्टेंट्स देखे, नॉट नल एंड यूनिक। इन 2 कंस्टेंट्स को यूज करने से अगर दोनों मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे वैल्यूज जो पुट होने वाली है वो नल भी नहीं चाहिए एंड वो यूनिक होनी चाहिए, तो मैं प्राइमरी की कंस्टेंट यूज कर सकता हूँ। प्राइमरी की मतलब नॉट नल प्लस यूनिक, यूनिक भी रहेगी और नॉट नल भी रहेगी, ठीक है। अगर लेट से मैं यहाँ पे नल पास करने की कोशिश की, ये अमेजोन ऑर्डर्स का वैल्यूज का जो है अभी यूनिक कंस्टेंट ही है और यहाँ पे मैंने नल पास करने की कोशिश की, तो लेट से क्या होता है, वो अलाउ करेगा नल को, यूनिक अलाउ करेगा नल को, क्योंकि आपने नॉट नल का जो कंस्टेंट था उसको तो निकाल दिया है, वहां पे अपने यूनिक डाला हुआ है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल को देखूं वहां पे, तो नल अलाउ किया है उसने, नल की वैल्यू स्टोर कर ली उसने, कंस्टेंट क्या है, यूनिक है ना, तो नल मतलब क्या होता है, कुछ भी वैल्यू नहीं, उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो डेटा को समझेगा ही नहीं कि आपने कुछ पास किया है कि नहीं किया, तो वो नल अलाउ करेगा। बट आपको अगर सिस्टम में नल भी अलाउ नहीं करना है और रिकॉर्ड भी यूनिक रखना है, देन यू कैन यूज प्राइमरी की कंस्टेंट इन दैट केस। सो कैसे, लेट्स से अगेन आई विल ड्रॉप दिस टेबल, ड्रॉप टेबल अमेज़न ऑर्डर, एग्जीक्यूट। सो नेक्स्ट कंस्टेंट है प्राइमरी की, again I will copy this, create table,
और इंस्टेड ऑफ ऑर्डर आईडी इंटीजर यूनिक जो कंस्टेंट मैंने दिया है उसकी जगह पे मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कमांड सक्सेसफुली हो जाएगा। लेट्स अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कंस्टेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं कि पहले कंस्टेंट का नाम लिखना है या पहले डेटा टाइप देना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें क्यूरी तो पता होती है कि हमें पता है कि कॉलम्स के बाद हमें डेटा टाइप देना है, कंस्टेंट देना है, बट जब लिखते हो तब कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले कंस्टेंट का नाम कंस्टेंट देना है या डेटा का टाइप मेंशन करना है। तो गड़बड़ी में क्या करते हैं, हम कॉलम्स का नाम देते हैं प्राइमरी की एंड देन इंटीजर ऐसे लिख देते हैं, तो वो एरर शूट करेगा आपको कि इनकरेक्ट सिंटैक्स। तो पहले कॉलम का नाम, देन डेटा टाइप, देन की कंस्टेंट जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो। ठीक है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, लेट मी इंसर्ट वैल्यूज इन दैट, जस्ट कॉपी दिस। मैं कॉपी पेस्ट बहुत कर रहा हूँ तो आप कॉपी पेस्ट मत करना, लिखना कमांड। ठीक है, जैसे मैं वैल्यूज की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड पुट कर रहा हूँ 1 and 2, इंसर्ट किया रिकॉर्ड को मैंने, सेकंड रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, सेकंड रिकॉर्ड में फर्स्टली आई एम ट्राइंग विथ नल, इस नल को मैं ट्राई कर रहा हूँ इंसर्ट करने का। Cannot insert the value null into the column. क्या कर रहा है? Column does not allow nulls. Insert fails. Null को allow नहीं किया इसने, क्योंकि primary key हमने दिया हुआ है constant. Instead of null मैं 1 pass करके देख रहा हूँ। Again this one and this one same. Order ID का column में primary key constant है, तो duplication से या allow नहीं करेगा वो। इसको भी fail करेगा। Violation of primary key. ठीक है? अभी मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 रख रहा हूँ। अभी होगा क्या? Yes. ये 2 और ये 2 तो सेम ही है ना, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा? Okay. अगर मैंने इस प्रोडक्ट इंटीजर की यहाँ पे भी मैंने अगर यूनिक का कंस्टेंट डाला होता तो फेल आता, करेक्ट? यस। किसी को डाउट था क्या? कोई बोला? किसी ने कुछ बोला क्या? किसी को डाउट है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट सर, प्राइमरी क्या प्राइमरी यूज किया तो यूनिक वैल्यू तो डाल सकते हैं, लेकिन लर्न वैल्यू भी नहीं डाल सकते। देखो जैसे कंस्टेंट जो है, फर्स्ट कंस्टेंट हमने नॉट नल का पढ़ा, देन हमने पढ़ा यूनिक का, तो जब नॉट नल का कंस्टेंट आप डालते हो तो उसमें नल्स को वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कोई और डुप्लीकेशंस वो अलाउ करेगा, जैसे कि ऑर्डर आईडी 1 है, वापस से वो ऑर्डर आईडी 1 डालोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट कंस्टेंट यूनिक का देखा, यूनिक की कंस्टेंट में क्या करेगा, वो नल्स को अलाउ करेगा लेकिन डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? नॉट नल एंड यूनिक, अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड्स डालने हैं जिसमें वो यूनिक भी हो और वो नॉट नल भी हो, मतलब नल को अलाउ भी ना करे एंड यूनिक हो, उस केस में आप प्राइमरी की कंस्टेंट यूज कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन नॉट नल एंड यूनिक, वो होता है प्राइमरी की। ठीक है, समझ गए सुशांत? समझ गए? यस सर। ओके, ठीक है, तो आई थिंक मैंने इंसर्ट ऑलरेडी किया था ये रिकॉर्ड, इसलिए वो वायलेशन कर रहा है। सी, दो है, अगेन आई ट्राई टू इंसर्ट दिस, तो वो उसने इंसर्ट नहीं किया क्योंकि 2 का वायलेशन हो रहा था कि 2 अगेन आप नहीं डाल सकते। ठीक है, प्राइमरी की समझ में आया कंस्टेंट? किसी को डाउट है प्राइमरी की में? तो नेक्स्ट कंस्टेंट है हमारा चेक। चेक कंस्टेंट को पहले लेट मी ड्रॉप दिस टेबल, और इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द टेबल आई एम एडिंग सम मोर कॉलम इन दैट पर्टिकुलर टेबल, अमेजन ऑर्डर के टेबल में। तो लेट्स से मुझे क्वांटिटी का एक कॉलम ऐड करना है उस टेबल के अंदर, अमेजन ऑर्डर के अंदर, तो कैसे कर सकता हूँ मैं ऐड कॉलम?
अल्टर टेबल अल्टर टेबल अमेज़न ऑर्डर एड से क्वांटिटी बाद में क्या देना पड़ेगा डेटा टाइप राइट भूल जाती हो क्या बोलते नहीं हो ना ओके सो मैं इसको इंटीजर इंटीजर यस इंटीजर करेक्ट कमांड ऐड हो गई सक्सेसफुली एंड इफ आई चेक ओवर हियर यहां पे मेरे पास क्वांटिटी नल नल अभी यहां पे मुझे वैल्यूज पुट करनी है Actually, I am trying to adding a constraint on this column. तो मुझे यहाँ पे constraint भी देना चाहिए था when I am adding this. Okay? तो let's say इसको अगर मैं delete करना है तो कैसे करूँ? तो simply ऐसे ही को drop. तो इस column को drop करना है quantity के column को तो command कैसे लिखनी पड़ेगी? Delete. डिलीट किस लिए यूज करते हैं हम कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं या रो को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं अल्टर लिखनी पड़ेगी अल्टर लिखनी पड़ेगी अल्टर लिखना पड़ेगा ना अल्टर टेबल अल्टर टेबल दिस इमेज एन ऑर्डर ड्रॉप कॉलम देन ड्रॉप कॉलम कॉलम लिखना पड़ेगा राइट ड्रॉप कॉलम कौन सा कॉलम क्वांटिटी नाउ इफ आई रन दिस तो वो कॉलम को डिलीट कर देगा कमांड कंप्लीटेड इफ आई चेक इन दिस टेबल क्वांटिटी का कॉलम डिलीट हो गया नाउ मुझे एक क्वांटिटी का कॉलम यहां पे चाहिए जिस पे मुझे रूल सप्लाई करना है कि जब भी मैं उसमें कोई वैल्यू पुट करूं तो वो वैल्यू 5 से ज्यादा हो 5 से कम को वो अलाउ ना करे तो समझ रहे कि क्वांटिटी का जो कॉलम है उसमें अगर मैं 5 या उससे ज्यादा की वैल्यू पुट करूं तो वो अलाउ करे लेकिन 5 या उससे की कम की वैल्यू पुट करूं जैसे 1 2 3 4 ऐसे मैं ट्राइंग टू पुट तो वो मुझे अलाउ ना करे वो इंसर्ट ठीक है तो वो कैसे कर सकते हैं अपन लेट मी ऐड दिस कॉलम अगेन ये जो ऐड कॉलम का है ना लेट से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको और इंटीजर के बाद मैं यहाँ पे पुट करता हूँ चेक इन ब्रैकेट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये कंस्ट्रेंट मैं ऐड कर दूंगा यहाँ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लेट मी सी दिस कॉलम अभी नल के लिए राइट अभी मुझे यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी के लिए ये जो नल की क्वांटिटी ना ये चेंज करनी है लेट से 6 हम क्या ट्राई करेंगे अभी इसको 6 करके ट्राई करेंगे सेकंड वाला जो है उसको 5 से कम जो है उससे ट्राई करेंगे कि वो लेता है कि नहीं लेता ठीक है तो लेट से अगर मुझे अपडेट करना है यहाँ पे तो कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी अगेन अपडेट करनी पड़ेगी राइट तो लेट से अपडेट अमेज़न ऑर्डर राइट सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 6 where order ID is equal to 1 correct let's say update this one row affected if I see the table 6 यहाँ पे आ गए अभी ये जो second जो row है यहाँ पे मैं try करूँगा 5 से कम की value चेक में कंडीशन में हमने क्या दिया है कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 अलाउ करेगा वो
फाइव के नीचे वाले अलाउ नहीं करेगा. सो लेट्स ट्राई टू अपडेट दिस. जैसे मैं ये कॉपी कर रहा हूँ अपडेट का स्टेटमेंट. सो लेट्स से यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 4 एंड ऑर्डर आईडी 2. सी द अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्टेंट. क्या बोल रहा है वो कि जो चेक कंस्टेंट आपने कॉलम पे डाला हुआ है उसकी वजह से जो अपडेट कर रहे हो आप जो वैल्यू 4 है वो कंडीशंस को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है. मतलब अलाउ नहीं करेगा फिर आपको वो उसको इंसर्ट करने के लिए. ठीक है समझ में आया ये yes. सबको चेक कंडीशन कैसे लिखते हैं अपन. अपने को इंटीजर डेटा टाइप दिया चेक लिखा मैंने इन ब्रैकेट जो कॉलम आप बना रहे हो उस कॉलम को लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू जो कंडीशन है आपकी बेसिकली लॉजिक जो आप लिखना चाहते हो वो लॉजिक यहाँ पे डालो एंड ब्रैकेट क्लोज करो. ठीक है समझ में आया चेक कंस्टेंट. किसी को डाउट है इसमें. ग्रेट यहाँ पे मैंने 5 डाला तो होगा यस हो गया. अगर मैंने न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने की अभी तो हमने अपडेट किया अगर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करो 3rd वाला ऑर्डर आईडी का और वहां पे मैं अगर वैल्यू 5 से कम दू तो होगा नहीं होगा राइट. 5 से ज्यादा दू तो होगा 5 या 5 से ज्यादा दू तो होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट चेक कंस्टेंट समझ में आया. हेलो किसी को डाउट है चेक कंस्टेंट में. सर चेक कंस्टेंट में खाली कंडीशन डाल सकते हैं ना ग्रेटर देन और इक्वल टू और समथिंग. हां मतलब कोई आपका लॉजिक रहेगा जो आप चेक करना चाहते हो कि उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू पुट होने वाली है वो किसी दूसरे कॉलम्स पे अगर डिपेंड हो. लेट्स से कि यहां पे मैंने क्वांटिटी का कॉलम लिया हो सकता है कि मुझे किसी और कॉलम की बेसिस पे ये लॉजिक लिखना हो. जैसे यहाँ पे मेरे पास अमाउंट का भी कॉलम हो और मैं अमाउंट का कॉलम यूज करके वो लॉजिक लिखना चाहता हूँ तो मैं उस कॉलम का नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ. वो डिपेंड करता है कि आपको लॉजिक कैसे लिख रहे हो आपको क्या आउटपुट में चाहिए. अगर एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई वैल्यू है जैसे कि क्वांटिटी में क्वांटिटी का कॉलम है और उसमें मैं 5 का कंस्टेंट लगाया अभी फिलहाल के लिए. अगर मुझे किसी और कॉलम के बेसिस पे ये कंस्टेंट लगाना है जैसे कि क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऐसे 2 कॉलम है मेरे पास तो क्वांटिटी 1 के बेसिस पे मुझे लगाना है कि अगर क्वांटिटी 1 में वैल्यूज है ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज है मतलब क्वांटिटी 1 में कुछ वैल्यूज है तभी मैं क्वांटिटी 2 में वैल्यूज पुट कर सकता हूँ अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा. तो क्वांटिटी 1 में वैल्यूज होना जरूरी है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है फिर एक कॉलम डिपेंडेंट है दूसरे कॉलम के ऊपर तो लॉजिक आप वैसे बिल्ड करोगे फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर. यू कैन यूज बट बेटर वे टू यूज वन लॉजिक ओनली क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो कि वेयर कंडीशंस या एंड कंडीशन सपोर्टेड है कि नहीं. आई विल नेवर ट्राई दिस. जैसे कि लेट्स से यहाँ पे क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5 एंड इफ यू यूज एंड क्वांटिटी लेट्स से क्वांटिटी is less than equal to 10 ऐसे मतलब 2 मैंने यूज किया कि तो फिर वो चेक करेगा कि 5 और 10 के बीच में की वैल्यू है तभी अलाउ करेगा नहीं तो 11 को भी अलाउ नहीं करेगा ऐसे. तो एंड यूज करके कर सकते हैं बट दिस इज अगेन ये एडवांस फिल्टरिंग में है. हम देखने वाले आगे कि एडवांस फिल्टरिंग जो है जैसे कि एंड और जो होता है ना हमने ये पहले पढ़ा है ना जिसको ऑपरेटर्स बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं राइट एंड और ऑपरेटर्स. तो ये भी अपन वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट पर्टिकुलर रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट. जैसे जो हमारा ऑर्डर्स का टेबल है जो मैंने स्क्रिप्ट आपको दिया है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज है जैसे कि टेक्नोलॉजी है या मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग टेक्नोलॉजी. तो मुझे बोथ टेक्नोलॉजीज का अगर डेटा चाहिए होगा देन इन दैट केस आई यूज एंड. एंड का मीनिंग क्या होता है कि अगर लॉजिक में दोनों सेटिस्फाई हो मतलब अगर जो होता है ना अपन यूज करते हैं जैसे कि 1 0 तो 1 आता है बाइनरी होता है ना मतलब इन शॉर्ट जो लॉजिक यूज करते हैं ना कि अगर 1 1 हो तो आउटपुट में 1 आता है
यही लॉजिक होता है ना एंड और का। तो एक अगर वन हो, अगर मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है देन आई विल गेट ट्रू। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ठीक है, वो जब एडवांस फिल्टरिंग होगा हमारा तब अपन वो देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स में हमने बस ग्रेटर देन इक्वल टू वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं, एडवांस वाले जो है ये एंड एंड और वो यूज नहीं किया अभी तक। तो वो हम देखेंगे जब अपन वो टेबल फेच कर लेंगे तो उसमें हम वो देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे एक बताओ बस, चेक कंस्टेंट में किसी को कुछ डाउट है अभी? समझ में आए? चेक कंस्टेंट किस लिए होता है कि कुछ सर्टन कंडीशंस पुट कर रहे हो आप किसी कॉलम्स के ऊपर, वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करने देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट। अभी लेट से है कि अगर मैंने कोई वैल्यूज पास नहीं किए इंसर्ट में, मैं किसी वैल्यूज को पास नहीं कर रहा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने खुद से ले लेगा जो आपने डिफाइंड किया हो वहां पे। तो लेट से आई विल जस्ट ड्रॉप दिस टेबल एंड लेट मी क्रिएट अगेन। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज लेट्स से यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अमाउंट, अमाउंट है मेरी डेसिमल में 4/2 कॉमा एंड लेट्स से क्वांटिटी। अभी ये क्वांटिटी का जो है ये इंटीजर में रहेगा, यहाँ पर मैं कंस्टेंट डालने वाला हूँ डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट 1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर क्वांटिटी के कॉलम्स के अंदर आपने कुछ इंसर्ट नहीं किया तो अपने आप डिफॉल्ट की वैल्यू जो है 1 जो आपने डिफाइन की हुई कंस्टेंट में वो ले लेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, व्हाटएवर जो मुझे चाहिए। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ट्राई टू इंसर्ट सम वैल्यूज इनटू दिस टेबल, इंसर्ट इनटू अमेज़न ऑर्डर्स वैल्यूज, फर्स्ट ऑर्डर आईडी लेट्स से 1, सेकंड माय कस्टमर प्रोडक्ट आईडी 2, देन अमाउंट इन डेसिमल लेट्स से 10.50 एंड क्वांटिटी। सो लेट्स से मैं यहां पे क्वांटिटी के लिए कुछ पुट नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं डाल रहा हूं, 3 ही वैल्यूज दिया है मैंने यहां पे। लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस, ये इंसर्ट होगा क्या? यहां पे वैल्यूज सप्लाइड कितनी है 1, 2, 3, कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4 कॉलम्स। लेट्स ट्राई दिस, ये क्या बोल रहा है, कॉलम्स नेम्स और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशंस, मतलब आपको यहां पे वैल्यूज देनी ही पड़ेंगी अगर आप इनटू अमेज़न ऑर्डर्स कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे लेट्स से मैंने ऐसे किया, ऑर्डर आईडी राइट, देन प्रोडक्ट आईडी एंड देन अमाउंट, ऐसे अभी तो अलाउ करेगा राइट। अभी 3 कॉलम दिए, 3 वैल्यूज दिए, लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस, 1 ड्रॉ इफेक्ट हुआ, लेट्स सी द टेबल क्या आएगा टेबल में। आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा टेबल में? क्वांटिटी के वैल्यू तो अपन ने डाली ही नहीं ना, बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, डिफॉल्ट 1 लेगा वो, सी क्वांटिटी की वैल्यू वो 1 लिया उसने, मतलब आपने वैल्यू सप्लाइड भले ही 3 की है लेकिन फिर वो टेबल का स्ट्रक्चर चेक करेगा, कंस्टेंट चेक करेगा कि क्वांटिटी की वैल्यू के लिए आपने डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज किया हुआ है तो मुझे 1 लेना है वहां पे, तो इसलिए यहां पे 1 आया। समझे डिफॉल्ट? इन जो इस कंस्टेंट में किसी को डाउट है, जितने अभी हमने पढ़े कंस्टेंट्स, नॉट नल, नल जो देन व्हाट इज यूनिक, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट, समझ में आए सबको? सर अगर वो
क्वांटिटी इंट डिफॉल्ट के आगे 1 ले लिखा तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा उधर 1 बट लेट्स से डिफॉल्ट मैंने लिखा बट डिफॉल्ट क्या कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना आपको अगर उधर 2 लिख देते सर तो 2 आता यहां पे क्वांटिटी की जगह पे 2 आता दे सकते डिफॉल्ट के आगे जो भी आप मेंशन करोगे वो दो लेकिन एक चीज याद रखना क्वांटिटी का डेटा टाइप इंटीजर है यहाँ पे टेक्स्ट मत दे देना आप दोगे ना कि नॉट अवेलेबल मैं एनए कर दूंगा बट एनए इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप क्या दिया है इंटीजर तो हाँ यू कैन से दैट बट अगेन अगर लेट्स से कोई वेयर का डेटा टाइप है ठीक है कस्टमर का नाम है लेट्स से फॉर एग्जांपल और मैंने उसमें डिफॉल्ट दे के रखा है कि अगर कस्टमर का नाम कोई पास ना करे तो फिर नॉट अवेलेबल करके दे दो अगर कस्टमर का नाम ही नहीं है तो वहां पे फिर एम्प्टी से अच्छा कुछ हो तो नॉट अवेलेबल करके आएगा या नॉट मेंशन ऐसा कुछ आप डिफॉल्ट रख सकते हो सेट लेकिन जो वैल्यू आप दोगे जैसे कि यहाँ पे इंटीजर है तो डिफॉल्ट में आप इंटीजर ही रखो अगर क्वांटिटी जिस कॉलम का डेटा टाइप लेट्स से वेयरकेयर है तो वेयरकेयर में तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो जो डेटा टाइप आपके कॉलम का है उस डेटा टाइप के रिगार्डिंग ही डिफॉल्ट वैल्यू दो नहीं तो फिर वो अगेन अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू किसी और की दोगे टेक्स्ट दोगे डेटा टाइप आपका इंटीजर है देन वो जो कॉलम में डेटा स्टोर होगा वो फिर एरर शूट करेगा आपको मिक्स डेटा टाइप होगा ठीक है ओके और किसी को कुछ डाउट है इसमें कंस्टेंट्स यहाँ पे हमने खत्म कर लिया सी द नेक्स्ट टॉपिक क्या है सो नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट हम एक ये ले रहे हैं इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्यूरी एग्जीक्यूशन जो होता है लेट्स से आप कुछ क्यूरी यहाँ पे लिख रहे हो राइट तो उस क्यूरी में एग्जीक्यूशन होता है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होती है बैकएंड में उसका एक एग्जीक्यूशन का एक लिस्ट होता है मतलब कौन सी कमांड पहले रन होती है कौन सी बाद में होती है तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी is equal to 1 ये जो कमांड है सिंपल कमांड है जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में वो ऑर्डर आईडी 1 के लिए जो रिकॉर्ड्स है मेरा वो दिखाएगा ठीक है हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टेबल्स में 10 रिकॉर्ड्स हो लेकिन मैं पर्टिकुलरली वेयर क्लॉज में ऑर्डर आईडी 1 के लिए ही डिमांड कर रहा हूँ तो ये क्यूरी एग्जीक्यूशन कैसे होता है लेट्स से सबसे पहले रन होता है फ्रॉम रन होता है सबसे पहले कौन सा टेबल है ठीक है क्यूरी जाएगी फ्रॉम में देन होता है वेयर क्लॉज देन सेलेक्ट ये जो सेलेक्ट जो है ना ये सेलेक्ट सबसे लास्ट में रन होता है वो टेबल में जाएगा वहां पे फिल्टर करेगा डेटा को डेटाबेस में एंड देन आपको आउटपुट में दिखाएगा लेट्स से डेटाबेस में मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है और आपने बस किसी पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के लिए ही फेच किया हुआ डेटा मतलब क्यूरी लिखी है तो ये क्यूरी आपको 1 मिलियन रिकॉर्ड लाके फिर फिल्ट्रेशन नहीं करती वो क्या करती है ऑप्टिमाइज होती है खुद वो पहले डेटाबेस में उस टेबल में जाएगी कौन सा ये जो फॉर्म रन किया है ना कौन सा टेबल है उस टेबल में पहले वो फाइंड आउट करेगा कि ये टेबल इस डेटाबेस में है क्या टेबल उसको मिल गया फिर उस टेबल में जाके ये वेयर की कंडीशन जो है वो वेयर की कंडीशन लगाएगी कि हाँ कस्टमर आईडी के ऊपर या इस ऑर्डर आईडी के ऊपर 1 का उसने फिल्टर लगा दिया फिर डेटा फिल्टर होगा डेटाबेस में ही एंड देन जो फिल्टर हुआ डेटा है वो इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आपको दिखेगा ठीक है तभी क्यूरी फास्टर रन होती है तो क्यूरी एग्जीक्यूशन जो होता है वो सेट होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि क्यूरी का एग्जीक्यूशन इसी वे में होगा आगे आगे जैसे हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे जॉइंट्स पढ़ेंगे देन यूनियंस पढ़ेंगे व्हाटएवर जितने टॉपिक्स रहेंगे वो जब पढ़ेंगे तो वो एग्जीक्यूशंस की लिस्ट में वो ऐड होते चलेंगे कि वो एग्जीक्यूशंस कब होगा बट दिस फ्रॉम वेयर सेलेक्ट ये होता है अभी उसके बीच में अगेन अलग अलग
टाइप्स या ऑप्शंस जो है फंक्शन जो है वो ऐड होते हैं. जैसे कि कोई जॉइंस होगा तो जॉइंस पहले ज्वाइन करेगा, देन फ्रॉम में जाएगा, देन वेयर में जाएगा, देन सेलेक्ट में जाएगा, राइट. अगर मल्टीपल टेबल्स है, आपने उन टेबल्स को ज्वाइन करके कुछ आउटपुट निकाला है, तो पहले वो उस टेबल को ज्वाइन करेगा, देन वेयर क्लॉज में जाएगा, फिल्टर करेगा, देन आउटपुट में आपको रिजल्ट देगा. तो क्यूरी एग्जीक्यूशन हम जैसे जैसे हम आगे क्यूरीज को पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, वैसे वैसे हम वहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है. लेकिन क्यूरी एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर अंडरस्टैंड हो रहा है आपको क्यूरी एग्जीक्यूशन, तभी आप क्यूरी लिख सकते हो, ठीक है. क्योंकि क्यूरी लिखने के टाइम पे आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि मैं ये जो क्यूरी लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो पहले ज्वाइन परफॉर्म होगा या पहले वेयर कंडीशन आएगी. इसलिए आप ज्वाइंस पहले लिखते हो, देन वेयर कंडीशन बाद में लिखते हो, ठीक है. तो फंक्शंस को भी यूज करने के टाइम पे हमें ये चीज ध्यान में ऑब्जर्व करनी पड़ती है या ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये क्यूरी का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है. समटाइम्स चीजें हमें इजीली दिखाई देती है, बट क्यूरी एग्जीक्यूशन के तरीके से ही हमें क्यूरी को लिखना पड़ता है, तभी वो रन होती है, आपको प्रॉपर रिजल्ट देगी, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर, ठीक है. तो क्यूरी एग्जीक्यूशन जैसे जैसे हम अदर ऑप्शंस या अदर फंक्शंस सीखेंगे, उस टाइम पे क्यूरी एग्जीक्यूशन हम देखते चलेंगे कि अभी क्यूरी एग्जीक्यूशन में क्या फर्क पड़ा है, अभी कौन से फंक्शन इसमें ऐड होते चले. तो जब तक क्यूरी एग्जीक्यूशन आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, तब तक क्यूरी समझ में नहीं आएगी कि एक बैकएंड में रन कैसे होती है. और जो समझ में नहीं आएगा तो क्यूरी लिख नहीं पाओगे, बड़ी क्यूरीज जो होती है वो लिख नहीं पाओगे. इसलिए छोटे से छोटी क्यूरी भी जब लिखोगे तो क्यूरी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजन ऑर्डर वेयर ऑर्डर आई डी इज इक्वल टू वन, ये सिंपल क्यूरी मैंने लिखी है. तो उसमें ये सेलेक्ट जो है ना, ये सेलेक्ट सबसे लास्ट में रन होता है. इंटरव्यू में आपको एग्जीक्यूशन क्यूरी एग्जीक्यूशन भी पूछ देगी, क्यूरी एग्जीक्यूशन क्या होती है, उसकी स्टेप बताओ मुझे, कौन सा एग्जीक्यूशन पहले होता है, कौन सा बाद में होता है. तो आपको ऐसे बताना पड़ता है कि पहले फ्रॉम रन होता है, देन वेयर रन होता है, देन सेलेक्ट रन होता है. अगर मैं सिंपल क्यूरी की बात करूँ, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन के अलग अलग बहुत सारे है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई यहाँ पे नॉर्मली सर्च भी करूँ कि क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान इन एसक्यूएल, ये क्यूरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस. देखो ये फ्रॉम पहले रन होता है, देन वेयर, सेलेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे पांच नंबर पे, क्योंकि हमारी क्यूरी में अभी ये ऑप्शंस नहीं है, ग्रुप बाय नहीं है, हैविंग नहीं है, ये फंक्शंस अभी तक हमने देखे नहीं है. हमारी क्यूरी में बस फ्रॉम है, वेयर है एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट ही था. तो इस वे से रन हुआ, पहले फ्रॉम चूज एंड ज्वाइन टेबल्स टू गेट द डेटाबेस, मतलब उस पर्टिकुलर टेबल में जाता है वो पहले, देन उसमें फिल्टर लगाता है, पहले डेटा को कम कर लेता है, देन सेलेक्ट के थ्रू आपको डेटा को शो करता है. वो ऐसे नहीं करता कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड पहले आपको शो हुए देन आप उस पर फिल्ट्रेशन लगा रहे. उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को लोड होने के लिए 10 मिनट चले जाएंगे आपको, फिर आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत देर से मिलेगा आपको. इसलिए ये क्यूरी जो SQL सर्वर का जो इंजन होता है बैकएंड इंजन, वो क्यूरी को ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, उसको वो इस ऑर्डर से फॉलो करता है, तभी उसका परफॉर्मेंस बना रहता है क्यूरी का. जब हम क्यूरी बनाते हैं तो इसी ऑर्डर में बनाते हैं, वो रन ऐसे ऑर्डर में होती है. तो हमें दिमाग में ये एग्जीक्यूशन प्लान हमेशा रखना होता है सामने की दिस इज द एग्जीक्यूशन प्लान, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये है, इस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से हमें क्यूरी बनानी पड़ेगी. तो आप डिसाइड करते हो कि आपको ग्रुप बाय कब यूज करना है, हैविंग कब यूज करना है, राइट. ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं अपन. नेक्स्ट पार्ट कल से, मंडे से, अभी कल तो नहीं रहेगा, मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लाइक ऑपरेटर्स. लाइक ऑपरेटर्स हमारा मंडे को खत्म हो जाएगा, देन मंडे में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट आपको मंडे को मिलेगी, वो थोड़ा इजी रहेगी, एक दिन लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, बट आगे वाली जो रहेंगी वो थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएंगी टास्क. ठीक है.
लेकिन मेक श्योर कि असाइनमेंट का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उसको स्किप मत करना। मैं एक बार बोल रहा हूँ बट आपको करनी है एटलीस्ट 10-12 टाइम प्रैक्टिस करनी है एक असाइनमेंट की, ठीक है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है, जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं कुछ। फिर मुझे बोलना मत कि मैंने सिखाया नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आपको इंटरव्यू में नहीं आया तो बोले कि हमें तो ये टॉपिक सिखाया नहीं सर ने, ठीक है। टॉपिक्स हम सारे कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सिलेबस के बारे में मत सोचो, जितना पढ़ा है उसको उसमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश करो बस, ठीक है। उसमें परफेक्ट हो जाओगे, जितना आपको आता है उतने परफेक्ट हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू। लेकिन परफेक्शन नहीं है आप में, और चीजें लेने में होता है ना कभी, हम बहुत सारा नॉलेज ले लेते हैं बस लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते उसका, तो उस नॉलेज को कुछ मीनिंग नहीं रहता, आप किसी में परफेक्ट नहीं हो जाते। फिर आपके पास 5 चीजें ही रखो लेकिन 5 चीजों में परफेक्शन रखो, तभी भी आसानी से इंटरव्यू क्रैक होगा। लेकिन 10 चीजें रखोगे और परफेक्शन नहीं होगा तो कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, बेसिक से बेसिक भी फेल हो जाओगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है बोलो। सुशांत आप, अच्छा आप वो स्क्रीन शेयर करने वाले थे ना? यस सर, यस सर, कर लो। एक्सेल नहीं है आपको, वेयर क्लॉज के थ्रू फिल्टर लगाना है सर। हाँ बोलो, आपने स्क्रीन शेयर किया था? हाँ किया सर। हाँ क्या एरर शो कर इनकरेक्ट, क्रिएट टेबल माय ऑर्डर्स। ये माय ऑर्डर्स का ये नाम आपने अलग दिया है क्या? अलग भी दिया है, पहले का भी देखा है। नहीं नहीं, मैंने जो आपको स्क्रीन, मैंने आपको जो स्क्रिप्ट दी थी ना, आप उसको ओपन करो, इसको चाहिए तो क्लोज करो इस स्क्रिप्ट को। मैंने जो स्क्रिप्ट दी थी उसको बस ओपन करो स्क्रिप्ट को। क्लास करो। मतलब पर्टिकुलर इस वैल्यू बोलने चाहिए। कुछ ले आ जैसा टी। मला कस्टमर आईडी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। शिप मोड फर्स्ट क्लास जाए ना, मला वो तो तेज बगैर जाएगी फर्स्ट क्लास। तो वेयर शिप मोड इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास डालो ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर शिप मोड इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास। ओपन किया जो क्यूरी मैंने आपको दिया था वो। कनेक्ट। ओके, आपको मास्टर डेटाबेस। हाँ कनेक्ट। ये जो मास्टर डेटाबेस है उसके अंदर ही आपको करनी है या कोई और डेटाबेस के अंदर करनी है इसको? MySQL में करनी है। ओके फाइन, डायरेक्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट हाँ ऊपर ही उधर क्लिक करो ओके दे पहले मैं क्या किया था सर जो पर्टिकुलर इसी हां प्रेस टेबल साथे से एग्जीक्यूट कर अच्छा मतलब सेपरेट सेपरेट एग्जीक्यूशन किया था ना हां फक्त क्रिएट टेबल का एग्जीक्यूट किया पण ते नहीं वो एक्चुअली क्या होता है ना ये सिस्टम जनरेटेड स्क्रिप्ट है ये दिख रहे हैं आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिखेगा सब ये फ्लोट्स वगैरह सारा ये सिस्टम जनरेटेड स्क्रिप्ट है ना तो इसको हमें वन गो में ही रन करना पड़ता है इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते ओके अभी आप न्यू क्वेरी टेबल को भी ठीक है आप डायरेक्टली न्यू अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर सकते हो तो ऑर्डर का टेबल यहाँ पे माई एसक्यूएल के डेटाबेस में आपको अभी क्रिएट हुआ होगा डेटाबेस को एक्सपांड करो टेबल्स देखो ऑर्डर्स आ रहा है dbo.orders राइट ठीक चलो